नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करने वाले हैं पाठ संख्या 7, और पाठ संख्या 7 है शहीदों के पत्र। तो आगे चलते हैं, चित्र पर आधारित गतिविधि है। यहाँ पर नीचे दिए गए चित्रों को पहचानो। आशा करती हूँ कि आप सभी इन्हें पहचान भी गए होंगे। यहाँ पर आपको इनके नाम लिखने हैं। गुलामी के समय अपने देश की आन बान और शान बचाए रखने के लिए देशवासियों ने कौन कौन से कष्ट सहे होंगे, सोचकर लिखो। तो ये गतिविधि आप करेंगे। आगे चलते हैं बच्चों, अब हम करते हैं पाठ में प्रवेश। इस पाठ का शीर्षक है शहीदों के पत्र। शहीद का अर्थ है देश ऐसे नायक जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। इस पाठ में देश की आज़ादी के लिए शहीद होने वाले लाला लाजपत राय और राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखे हुए पत्र संकलित है। आइए शुरू करते हैं। माता, मैं तुम्हें क्या समर्पित करूं? मेरे पास तुम्हारे योग्य कुछ भी नहीं है। मैं अत्यंत गरीब हूँ, फिर भी एक वस्तु मैं तुम्हारे चरणों पर चढ़ा सकता हूँ, प्रेम। हाँ, अपना प्रेम। ओ माँ, मुझे यह कहने के लिए क्षमा कर देना कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं तो रोम रोम से तुम्हारी पूजा करता हूँ, यह मेरे हृदय का सत्य है। मैं ईश्वर को भी इतना प्यार नहीं करता जितना तुम्हें करता हूँ। माता, मैं तुम्हें मानवता से भी श्रेष्ठ मानता हूँ। तुम्हारा स्थान तो सर्वोच्च है। लोग मेरी आलोचना करते हैं पर मैं उनसे सहमत नहीं। तुम्हारे ही कारण तुम्हें मानवता को प्यार कर पाता हूँ। तुमने भी सदा ही विश्व के बारे में सोचा है। मानवता ही तुम्हारा परिवार है, तुम सबकी माँ हो। मैं तुमसे जुड़ी हर वस्तु से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे पर्वत, नदियों, घाटियों, मैदानों, फूलों, फलों और रेगिस्तानों से प्यार करता हूँ। इससे बढ़कर सुंदरता और कहाँ मिलेगी। मैं तुम्हारी संतानों को भी प्यार करता हूँ। वे असंगठित, देश प्रेमहीन और अंधविश्वासी भले ही हों, पर मुझे उन सबसे प्यार है। कभी कभी मैं उनसे निराश होता हूँ पर वे सब मेरे अपने हैं। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। मेरा जो कुछ है उन्हीं का है। मेरी वंदना मैं तुम्हारे चरणों में भेंट करता हूँ। इसे स्वीकार करो, स्वीकार करो। हे भारत माँ, तुम्हें शत शत प्रणाम। तुम्हारा पुत्र लाजपत राय। तो लाजपत राय ने ये पत्र लिखा अपनी भारत माता के नाम। अगला पत्र है राम प्रसाद बिस्मिल जी का। गोरखपुर जेल, 16 दिसंबर 1927। पूज्य माता जी, सादर चरण वंदना। तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम्ही मेरी सदैव सहायक रही। मुझे प्रत्येक जन्म में परमात्मा ऐसी ही माता दे। महान से महान संकट में तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। अधीर का अर्थ है बच्चों व्याकुल, बेचैन। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव ना किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास और सुख की इच्छा नहीं। केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती दिखाई नहीं देती, क्योंकि शीघ्र ही मेरी मृत्यु का संवाद सुनाया जाएगा। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता, भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर गया है। उसने तुम्हें शहीद की माँ होने का गौरव दिया। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो किसी
पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में माँ तुम्हारा नाम अवश्य लिखा होगा। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय दृढ़ रहे और तुम्हारे चरण कमलों में प्रणाम अर्पित कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शहीद हो जाऊं। इसी पवित्र भारत भूमि पर एक बार फिर जन्म लूं इसी आशा के साथ, तुम्हारा बेटा राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये थे बच्चों दो पत्र जो कि दो शहीदों ने लिखे थे। शहीद होने से पहले लाला लाजपत राय जी ने लिखा था भारत माता के नाम पत्र, और राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा था अपनी माता के नाम पत्र। तो यहाँ पर दिए हुए हैं हमें कठिन शब्द जो आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखने हैं, समर्पित, मानवता, श्रेष्ठ, सर्वोच्च, आलोचना, रेगिस्तान, असंगठित, अंधविश्वासी, स्वीकार, सांत्वना, श्रद्धापूर्वक, स्वाधीन, उज्ज्वल, अर्पित और जन्मदात्री। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ दिए हुए हैं हमें शब्द अर्थ जो कि आपको याद भी करने हैं और अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखने भी हैं। रोम रोम मतलब रोआ रोआ छिद्र, शत शत कई सौ, सौ सौ। सर्वोच्च का अर्थ है सबसे ऊंचा, श्रद्धापूर्वक, आदरपूर्वक। आलोचना, टीका टिप्पणी, किसी कार्य के गुण या दोषों का विचार। संवाद, संदेश, गौरव, गरिमा, सम्मान, स्वाधीन, स्वतंत्र। मानवता, मनुष्यता, उज्ज्वल, स्वच्छ, पवित्र। अंधविश्वासी, बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास करने वाला। जन्मदात्री, जन्म देने वाली, दृढ़, मजबूत। बताओ क्या पढ़ा? लाला लाजपत राय सबसे अधिक प्यार किसे करते थे? भारत माता को। लाला लाजपत राय किनसे सहमत नहीं थे? आलोचकों से जो उनकी आलोचना करते थे। राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में जाकर शहीद हुए। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ को पत्र कहाँ से लिखा था? गोरखपुर जेल से। अब प्रश्न नंबर दो है बच्चों, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। राम प्रसाद बिस्मिल की क्या अभिलाषा थी? मैं भारत में पुनः जन्म लूं। अपनी वंदना लाला लाजपत राय ने कहाँ भेंट की? भारत माता के चरणों में। राम प्रसाद बिस्मिल की माँ को शीघ्र ही क्या संवाद सुनाया जाने वाला था? बिस्मिल की मृत्यु का। प्रश्न नंबर तीन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मैं तो रोम रोम से तुम्हारी पूजा करता हूँ। मैं तुम्हें मानवता से श्रेष्ठ मानता हूँ। तुम सबकी माँ हो। महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। यह इच्छा पूर्ण होती दिखाई नहीं देती। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर गया है। उसने तुम्हें शहीद की माँ होने का गौरव दिया। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में माँ तुम्हारा नाम अवश्य लिखा होगा। अब प्रश्न नंबर क है, राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ को किस तरह गौरवपूर्ण स्थान दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने जीवन को अपने देश पर न्यौछावर कर दिया और उनकी माँ को यह गौरवपूर्ण स्थान दिया कि उनका पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर गया है। यही सोचकर राम प्रसाद बिस्मिल की माँ गौरवान्वित हुई। राम प्रसाद बिस्मिल को क्या विश्वास था? राम प्रसाद बिस्मिल को विश्वास था कि जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में उनकी माँ का नाम भी लिखा होगा। उज्ज्वल अक्षर का क्या अर्थ है?
उज्ज्वल अक्षर का अर्थ है कि प्रसन्नता के रूप में या प्रशंसा। उज्ज्वल अक्षर का क्या अर्थ है? उज्ज्वल अक्षर का अर्थ है कि प्रशंसा के रूप में स्वर्णिम अक्षरों में, मतलब वहाँ राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का भी नाम आएगा, प्रशंसा होगी उनकी कि उन्होंने एक शहीद को जन्म दिया। राम प्रसाद बिस्मिल ने भारत भूमि के प्रति अपना लगाव किस तरह प्रकट किया है? राम प्रसाद बिस्मिल ने भारत के लिए अपना जीवन तो न्यौछावर किया ही, साथ ही उनकी यह भी इच्छा थी कि वह दोबारा भी इस धरती पर ही जन्म ले, भारत में ही जन्म ले, और इसी तरह से उन्होंने भारत भूमि के प्रति अपना लगाव प्रकट किया है। लाला लाजपत राय मातृभूमि से जुड़ी किन किन वस्तुओं से प्यार करते हैं और क्यों? लाला लाजपत राय मातृभूमि से जुड़ी सभी वस्तुओं से प्यार करते हैं। यहाँ के पर्वत, नदियाँ, पहाड़, रेगिस्तान आदि सभी वस्तुओं से वह बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये सभी भारत माता से जुड़ी हैं। लाला लाजपत राय देशवासियों में कौन सी कमियां देखते हैं? इनका हमारे देश पर क्या असर पड़ रहा है? लाला लाजपत राय कहते हैं कि हमारे देशवासी अंधविश्वासी, असंगठित और देश प्रेम की भावना से रहित हैं। इसी कारण दूसरे देश के लोग हमारे देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ रहे हैं, क्योंकि वो असंगठित हैं और इसका फ़ायदा दूसरे लोग यानि के अंग्रेज़ उठा रहे हैं, और इसका हमारे देश पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माँ को यह क्यों लिखते हैं कि भारत के इतिहास में तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ को शहीद की माँ होने का गौरव दिया, और इसी कारण वह यह कहते हैं कि भारत के इतिहास में तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो ये बहुत ही अनुभूति से भरे हुए पत्र थे जो कि शहीदों ने लिखे अपनी माता और भारत माता के नाम। तो बच्चों, स्वतंत्रता के प्रति अगर प्रेम देखना हो तो वो इन पत्रों में साफ दिखाई देता है कि शहीद होने जा रहे हैं तब भी अपनी भारत माता के लिए कितना प्रेम और कितना आदर है इन शहीदों के मन में। तो आशा करती हूँ कि ये पाठ अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।